जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे पालक, जितनी भी आप पालक बनाना चाहते हैं उतनी पालक उसमें डाल देंगे और पालक को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। पालक 2 से 3 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगी। इस पानी को पालक से अलग कर देंगे। अब बारी है पनीर की, तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च डालकर इसे घी या तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। पनीर को शैलो फ्राई करने के बाद अब बारी है लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च को शैलो फ्राई करने की। तो इन सबको थोड़ा सा बारीक रफली चॉप कर लेंगे। पनीर को शैलो फ्राई करने के बाद हमें लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्ची, जो हम ग्रेवी बनाने वाले हैं, उसे भी अच्छे से रफली चॉप करके शैलो फ्राई कर लेंगे। फिर इसे ठंडा होने देंगे। फिर एक जार लेंगे, उसमें हमने जो पालक बॉईल की थी वो, और जो हमने ग्रेवी के लिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक शैलो फ्राई किए थे, वो एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, फिर डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च और धनिया। फिर हमने जो मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाया है उसे इसमें डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से पकने देंगे। पकने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक स्वाद अनुसार। इन सब चीजों को अच्छे से पकने के बाद हम डालेंगे इसमें फ्रेश मलाई। और फिर इसमें हम डालेंगे शैलो फ्राई किए हुए पनीर। फाइनली दोस्तों, हमारा पालक पनीर बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।